अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज हमारी रेसिपी है आलू और खोए के पराठे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको बना के दिखाएंगे खोए और आलू के पराठे। तो देखिए, हमने 100 ग्राम खोए लिए हैं, 4-5 आलू बॉईल करके लिए हुए हैं, एक छोटी सी प्याज कट करके लिए हुए हैं, और ये देखिए हमने आटे गूंद के रखे हुए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथ को हम पहले ही से साफ कर लिए हैं। अब इसमें हम खोए को ऐड करेंगे। ये खोया होममेड है, हमने घर पे तैयार किया हुआ है। आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं खाते, इसलिए हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल रहे हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक हम डालेंगे। फ्लेवर के लिए हम इसमें थोड़ा कसूरी मेथी डालेंगे। और ये चाट मसाले, 1 टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर दिए इसमें। अब इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। आपने पनीर और आलू के पराठे तो खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको खोए और आलू के पराठे बना के दिखाते हैं। आप इसको कभी भी त्योहारों में या फिर ऐसे भी मन करे किटी पार्टी में भी बना के खा सकते हैं। ये देखिए, तो हमारा बैटर बन के रेडी है। हमने फ्रेश खोए से इसको बनाया है। आप भी इसको एक बार ज़रूर हमारी रेसिपी को ट्राई करिएगा। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अभी हम आपको बना के दिखाते हैं। तो हमारे पेड़े रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसमें स्टफिंग भरने। पहले हम इस तरह इसको गोल बनाएंगे। आप देख सकते हैं हाथों की मदद से यूं। इस तरह फिर हम इसमें भरेंगे। इस तरह से ये देखिए हमारा अच्छा सा बेलने के लिए रेडी हो गया। फिर हाथों की सहायता से हम इसको बनाएंगे। तो हमारा पराठा ये देखिए बेल गया है। अब हम चल रहे हैं इसको सेकने। तो एक साइड का हमारा सेक गया है। अब हम इसको पलटेंगे दूसरी साइड की तरफ, और अब इसमें हम
चम्मच की सहायता से ऑयल लगाएंगे हल्का हल्का। अब हम इसको सेकेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमारा एक साइड का सिक गया है। अब इधर हम ऑयल लगा देंगे और हम पलट के भी इधर से इधर का भी सेक लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा पराठा सिक गया है। इधर का भी, दोनों साइड का। इसी तरह हम सारे पराठे को बना लेंगे। अभी हम बना के आपको दिखाते हैं। तो इसी तरह हम दूसरे पराठे को भी बेल रहे हैं अच्छे से। तो चलिए हम इसको भी सेक लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा दूसरा भी पराठा सिक गया है। इसको भी हम उतार लेंगे। तो गाइस देखिए हमारे सारे पराठे बनके बिल्कुल रेडी हैं। चाहे आप इसको चटनी के साथ खाइए, नाश्ते में खाइए, मेहमानों के साथ खाइए। और हमारी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारा सपोर्ट करिए प्लीज़। हमारी रेसिपी को एक बार कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।